बीजेपी सांसद कंगना रनौत इन दिनों एक के बाद एक कुछ ऐसा करती जा रही हैं, जिससे राजनीतिक पारा चढ़ा ही रहता है। यूं तो कंगना अक्सर अपने बयानों को लेकर चर्चा में रहती हैं। ऐसा ही एक मामला फिर से सामने आया। कंगना रनौत कांग्रेस नेता राहुल गांधी की एक फोटो को लेकर सुर्खियों में है। दरअसल कंगना रनौत ने अपने आधिकारिक इंस्टाग्राम हैंडल पर राहुल गांधी की एक फोटो शेयर की है। इसने सोशल मीडिया पर बवाल मचा दिया है। इस फोटो में राहुल गांधी सिर पर मुस्लिम समुदाय की टोपी, माथे पर चंदन और तिलक, गले में क्रॉस पहने नजर आ रहे हैं। इस फोटो के नीचे लिखा है कि जातिवादी जो जाति पूछे बिना जाति जनगणना करना चाहता है। इस एडिटेड फोटो पर कंगना को खूब ट्रोल भी किया जा रहा है। कंगना रनौत ने नेता विपक्ष राहुल गांधी पर एक और बार निशाना साधते हुए अपनी इंस्टा स्टोरी पर एक फोटो पोस्ट की, जो मिनटों में वायरल हो गई और अब कंगना रनौत सोशल मीडिया पर ट्रेंड कर रही है। फोटो में राहुल गांधी एक मुस्लिमों द्वारा आमतौर पर पहनी जाने वाली टोपी लगाए और माथे पर चंदन और टीका लगाए नजर आ रहे हैं। उन्होंने गले में क्रॉस भी पहना हुआ है। सोशल मीडिया पर राहुल गांधी के इस मॉब फोटो को पोस्ट किए जाने की वजह से कंगना रनौत की भारी ट्रोलिंग हो रही है। कंगना रनौत ने इस पोस्ट के नीचे कैप्शन में लिखा कि जाति जीवी जिसे बिना जाति पूछे जाति गणना करनी है। दरअसल मंडी लोकसभा सीट से सांसद कंगना रनौत संसद में दिए राहुल गांधी के उस बयान पर कटाक्ष कर रही थी, जिसमें उन्होंने जाति जनगणना की बात कही थी। लोगों ने कंगना रनौत को दिया ट्रोल का टैग। अब कंगना रनौत की इसी इंस्टा स्टोरी पर ढेरों लोगों ने उन्हें घेरते हुए सोशल मीडिया पर ट्वीट किया है। तमाम लोगों ने कंगना रनौत को ट्रोल बताया है, जो कि भारतीय संसद के लिए उचित नहीं है। इससे पहले भी कंगना ने राहुल गांधी पर ड्रग्स लेने का आरोप लगाया था। उन्होंने कहा था कि मुझे लगता है कि राहुल गांधी का ड्रग्स का कंजप्शन का टेस्ट होना चाहिए। कंगना ने ये प्रतिक्रिया राहुल गांधी द्वारा संसद में दिए गए शिव वारात वाले बयान पर दी। कंगना ने कहा कि देश में लोकतंत्र है, इसमें प्रधानमंत्री लोकतांत्रिक तरीके से चुना जाता है। क्या लिंग, उम्र, जाति और वर्ग देखकर पीएम को चुना जाता है? मुझे लगता है कि उनका टेस्ट होना चाहिए कि वो ड्रग्स लेते हैं। कंगना ने कहा कि जिस हालत में वे संसद पहुंचकर बदहवास बातें करते हैं, मैं देखकर आश्चर्यचकित हो गई। संसद में उन्होंने कहा कि ये जो कॉम्पिटिशन है, ये शिवजी की बारात और चक्रव्यूह में है। क्या इस बात से नहीं लगता कि किसी आदमी का ड्रग्स टेस्ट होना चाहिए? मुझे लगता है कि उनका टेस्ट होना चाहिए, या तो वो शराब के नशे में है या फिर ड्रग्स के नशे में थे। कि उनका टेस्ट होना चाहिए, क्या को किसी ड्रग का कंजम्पशन करते हैं वो? जिस हालत में वो पार्लियामेंट में पहुंचकर जिस तरह की वो बदहवास बातें करते हैं, मैं निश्चय ही मैं नई सांसद हूं, लेकिन मैं कल देखकर एकदम मैं शॉक्ड हो गई कि इस तरह की कि ये जो ये कॉम्पिटिशन है, ये शिवजी की बारात और चक्रव्यूह में है। ये बात से आपको नहीं लगता कि किसी इंसान का जो है वो ड्रग टेस्ट होना चाहिए, जो इस तरह की बात करता है? मुझे तो लगता है होना चाहिए, या वो शराब के नशे में या वो ड्रग्स के नशे में जो है वो संसद में पहुंचते हैं, ये एक अच्छी बात नहीं है।